लिए पिज़्ज़ा, हम उसको खाने जा रहे हैं, साथ में बैठे हैं। तो जी चलते हैं, आपको भी साथ साथ लेंगे। हज़बान हैप्पी बोल बोल ये हो गया आसपास जैसी। यहाँ पे जी आयत आ गई है बड़ी मम्मा से मिलने के लिए। हाँ आयत, तो ये देखो आयत ने मुझे क्या दे दिया, मुझे छोड़ दिया मेरे पास। और यहाँ पे यहाँ खा रहा है परांठा, अच्छे से प्यारे से बना के फिर रूम में लेके जाते हैं। टेस्टी लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बाहर हैप्पी हो गया मेरा काका, मेरे काके ने खाना पिज़्ज़ा ही था, हर भी पाए हैं पिज़्ज़ा खाने, यही लेके आया हमें। अस्सलामुअलैकुम ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सभी फ्रेंड्स ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ माशाल्लाह, कामरान भी ठीक है, बच्चे भी ठीक है। अल्लाह पाक सबको ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, ऐसा और मुस्कुराता रखे अपनी फैमिली के साथ। अल्लाह पाक सबके दिल की ख्वाहिश पूरी करे, जो जो परेशान है अल्लाह पाक सबकी परेशानी दूर करे, जो लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, शफा दे, जो लोग बे औलाद हैं अल्लाह पाक उनको प्यारी सी औलाद से नवाजे, जो बेटी की ख्वाहिश रखते हैं अल्लाह पाक उनको बेटी दे, जो बेटे की ख्वाहिश रखते हैं अल्लाह पाक उनको बेटा दे, अल्लाह पाक सबकी दिल की ख्वाहिश पूरी करे, जो लोग कारोबार से परेशान हैं अल्लाह पाक उनके कारोबार में बरकत दे, जो लोग बच्चों के रिश्तों से परेशान हैं अल्लाह पाक सब बच्चों के नसीब अच्छे करे, सब बच्चों के मुकद्दर अच्छे करे, जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। सभी फ्रेंड्स को ईद मुबारक दी की गहराइयों के साथ। और माशाल्लाह जितने भी लोगों ने कुर्बानी दी है अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी कबूल कर अता फरमाए, और सभी जितने भी माशाल्लाह देखने सुनने वाले हैं सब लोग ईद मुबारक, सभी को दिल की गहराइयों से दिल बड़ी प्यार से मोहब्बत से ईद मुबारक। अल्लाह पाक ऐसी हजारों ईदें देखना नसीब करे, और ऐसी सारी रात के काम करके फ्रेश जो है वो ना आके ईद की नमाज पढ़ के, और माशाल्लाह फिर पूरे दिन की शुरुआत जो भी है तो निकाल लेते हैं। जो भी होगा अभी हम रेडी हो गए हैं, बस हम बच्चों को जगा रहे हैं, सुबह तो सुबह को रेडी हो गया, हम भी रेडी हो गए हैं, तो इंशाल्लाह भी हमें नमाज पढ़ के फिर आपसे मिलते हैं, आके तो आपसे भी मिलते हैं। मैं आई हूँ ईद की नमाज़ पढ़ के, चलते हैं रूम में। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, पढ़ के आ गए थे आप? माशाल्लाह ईद मुबारक, ईद मुबारक, क्या हाल है? ठीक है, ईद मुबारक, ईद मुबारक, क्या हाय आपका भी ईद मुबारक। बड़े ठंडे हो गए, इतनी गर्मी है बाहर, और आज की जो ईद है ना वो रूम में ही होनी है ना, तो फिर चलते हैं थोड़ी देर के बाद ना, हम भाई चलते हैं उधर, तो यहाँ पे ये लाडो ईद मुबारक, पिंकी टिंकू, हाँ जी किधर है रेहान भाई? किधर है रेहान भाई? अभी नहीं आया वो सर, अभी आ रहे हैं। तो जी फ्रेंड, यहाँ पे सभी फ्रेंड को ईद मुबारक दी की गहराइयों से, और अल्लाह पाक सबको खुश आबादस्ता और मुस्कुराता रखे। और माशाल्लाह जी बहुत मज़ा आया, और रौनक लगी हुई थी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा, और माशाल्लाह से हम जो है ना सोए नहीं है, अभी नींद भी आ रही है, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे ना या नहीं करेंगे पता नहीं, सुबह क्या कहता है यहाँ क्या कहता है, तो फिर हमने बाहर भी जाना, बच्चों को बाहर लेके जाना है, तो फिर देखते हैं मिलते जो भी एक्टिविटी होगी आपके साथ शेयर करेंगे। ड्रेस तो दिखाओ मेरा, कैसा लग रहा है जी? सर यहाँ पे ये मेरा ड्रेस है, ये वाला देखिए जी, चप्पल वो भाई था, भाई जाके पहन के थी खाती हूँ, तो यहाँ पे ड्रेस लगा हुआ है, अंदर सुकून है, तो वैसे भी नया ड्रेस जो भी पहना हो तो बड़ी गर्मी लगती है। और ये देख सकते हैं आप मेरा नेकलेस, नेकलेस में मैचिंग वगैरह, सुबह सुबह जब आई थी ना सलून से, सुबह तब का रेडी हो गया, ये सुबह की पैंट शर्ट है, ये यहाँ की, और ये मेरा ड्रेस है, सब ने मतलब के अलग अलग अपने अपने पसंद के कलर पहने हुए हैं सब ने, उसकी मेरे हाथ से ब्लैक बैंड है, ग्रीन शर्ट है। हाँ जी चलो अभी आ जाएगा, वरना केड़ा दौड़ेदार है। अजान ने खाना था चाय के साथ परांठा, कहता मामा मुझे चाय के साथ परांठा बना के दो, मैंने बीफ नहीं खाना, तो फिर यहाँ पे मैंने कहा भी हमने भी चाय पीनी है, हम जल्दी से चाय बना लेते हैं, सब ने परांठा बना लेते हैं, तो यहाँ पे मैं परांठा बना रही हूँ नमक वाला, क्रिस्पी वाला नमक वाला परांठा, एक साइड से हो गया, दूसरे साइड से लोग करते हैं हाँ तो मैं भी खाऊँगा, तो मैंने कहा चलो मैं आपके लिए भी बनाती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त बना है क्रिस्पी क्रिस्पी वाला। और यहाँ पे हो गया है परांठा वाला जी, और यहाँ पे जी हमारी चाय भी हो गई डन, इसको
इसको डालते हैं कप में। और अजान बेटा आ जाओ, आपका परांठा रेडी हो गया। कहता है मम्मा मैंने चाय बनाना खाना। इस तरह से ये देखिए जी, ज़बरदस्त हमारा चाय परांठा हो गया है रेडी। यहाँ पे भी परांठा एक और हो गया है रेडी, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे यहाँ खा रहा है परांठा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक। क्या हाल है, क्या ले गई हो, बन गया कुर्बानी होगी? हाँ यहाँ पे नहीं। अच्छा, और नाना जी ने आपके लिए कच्चा भी रखा हुआ है, वो हमारे घर है, आपको रात को देंगे। अच्छा, हाय हाय। आज जो ना कुर्बानी हुई है जी, जो इकरा का अबू है उनको ना कुर्बानी की थी, कल हमने करनी है गोट की, तो कल हम उधर ही बड़े घर करेंगे, है ना। ये भी बड़े घर ही हुई है वैसे तो। हाँ ये भी बड़े घर ही है। आयत ले कर आई है, पका हुआ क्या कबाब को बनी हुई है। आप बैठो, मैं आपके लिए शरबत बनाती हूँ बादामों का या रोज़ का। हाय तो क्या पीना है? तो ईद मिली नहीं सी। यहाँ पे जी हमारा शरबत हो गया ठंडा ठंडा मीठा मीठा रेडी। और ये जो ना मैंने खुद बनाया हुआ, ये देख सकते कितना तेरा सा कलर बना है। और यहाँ पे जी मैं जो है ना डालने वाली हूँ ग्लास में आयत के लिए, और हम यहाँ पे पिएंगे। तो जी यहाँ पे हमने बना दिया है शरबत और आयत। वो कर लो, आपने दो मिनट में बना दिया। दो मिनट में से इजी बन जाता है यार। बेटा दे लो आप भी, मेरा बेटा तो कहते मुझे भी शरबत दे के मुझे भी प्यास लग गई। चलो जी हम भी पीते हैं। रेहान रेहान पी लो शरबत। आयत आयत की मेरी वीडियो इतनी ज़्यादा चली हुई है, तो जो हमने बकरे पकड़े हुए थे अपने में, वाइट वाला था तो भी एक ब्लैक वाला था। तो यहाँ पे जी जो हमारी गोट है ना उसकी कुर्बानी कल होगी, फिर हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पियो ना कितना ठंडा, मम्मा ने कितना मीठा मीठा बनाया। यहाँ पे जी सुबह ने खाना है गोला, और ना यहाँ पे जी मैंने बनाया हुआ था शरबत, तो इसके लिए ना मैंने ना रख दिया ऊपर वाले खाने में गोला। ये गोला बन गया आसमान, तेरा गोला बन गया। यहाँ पे जी गोला इसका खाते हैं, इसको भी गोला खाना। अब देखते हैं ना बाजार का गोला खाते, जो हम खाते हैं वो गोला सही है, ये घर का गोला सही है। ऑफ कोर्स ये मैंने खुद, ये ना मम्मा ने बनाया है खुद पे। गोला सही है गोला खा ध्यान नाल। काफी ठंडा है, थोड़ा खाना चाहिए बस। ये वाली बर्फ सही है मजे की। यहाँ पे जी सुबहान और अजान जिद कर रहे हैं कि हमें जाना है बाहर कुछ खाना है। ये कह रहा है मैंने बीफ नहीं खाना, मटन नहीं खाना, बीफ नहीं खाना, और इसने दोनों ने नहीं खाना, मतलब कि ये दोनों कह रहे हैं कि हमने पिज़्ज़ा खाना है, तो इनको हम लेके चलते हैं बाहर। इन्होंने रेस्ट अजान आप कहाँ हो जी? आसफ़ ने चप्पल भी पहन ली है, सैंडल है, ये भी है मेरी, वैसे कल ही वो नहीं पहनी, अभी नहीं सी गुजरात वाला कैसे है भाई। ये भाई ये सिक्सल सैंडल पहनती हूं, वो दूसरा ड्रेस होगा उसके साथ मैच होगी, वो दूसरे पहनेगी। तो हुन की के प्रोग्राम है, अब चलते हैं थोड़ा चक्कर लगा लेते बाहर, बाइक नहीं करनी है वैसे ना, तो चक्कर लगाते हैं बाहर चलते हैं घूमने। चलो ठीक है, खत्म हो जानी है, तीन दिन ही रहा है। तो जी यहां पे हम आ गए हैं बाहर, ये देखते हैं सुभान आगे ने जी पिज्जा खाना है, और इसके लिए पिज्जा हम खाने जा रहे हैं साथ में बैठे हैं। चलते हैं आपको भी साथ साथ ले गए हैं। हैप्पी वो देखे सुभान भी छोटा है, वो हॉर्स पे बैठ गया जाके, और रेहान ना सुभान को ना अजान घर था, तो कामन कहते हैं कि मैं ना उसको लेके आता हूँ, उसको लेने के लिए चले गए हैं। और हम ना यहाँ पे बैठे हैं बाहर हॉल में, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी थी और बहुत ही हजूम था, रश बहुत था, फिर हमने सोचा कि हम इधर बैठते हैं बाहर। तो यहाँ पे ये करें एंजॉय,
पर वहाँ पे सुभान भी आ गया, अजान भी आ गया और कामरान भी आ गया। अच्छा बैठो यहाँ पे, सही है ना? सुभान किधर गया? वो देखे वहाँ बैठा हुआ अपना खेल रहा है। सुभान अभी भी तो छोटा काका है। हाँ, वो ना अभी अभी बुलर कहती है कि मैंने ना जब आना ना सुभान को ले जाना है इंडिया। ये देखिए फ्रेंड्स, आपका सुभान अभी भी छोटा काका है। इसके लिए तो हम बाहर आए हैं पिज़्ज़ा खाने, यही लेके आया हमें। अभी भी काका छोटा ही है। तो जी हमारे ऑर्डर आ गया, पहले तो हमने पिज़्ज़ा भी लगवाया था, पिज़्ज़ा भी आ जाता है। तो यहाँ पे बच्चे खाते हैं हार्ड विंग्स। हाँ तो जी यहाँ पे बड़ा आ गया है पिज़्ज़ा। ये सुबह आ गया था कि मैंने खाना है पिज़्ज़ा, वहाँ पे हमें पिज़्ज़ा नहीं अच्छा लगा, फिर हमने वहाँ से पिज़्ज़ा नहीं खाया, फिर हम इधर आ गए, फिर हम यहाँ से अब खाते हैं पिज़्ज़ा। चेक करते हैं, नहीं अच्छा, इसकी लुक भी अच्छी लग रही है, टेस्टी लग रहा है, अच्छा लग रहा है। सुबह हैप्पी हो गया मेरा काका, मेरे काके ने खाना पिज़्ज़ा ही था, हार्ड विंग खाने के बाद कहता कि मैंने पिज़्ज़ा ही खाना है मम्मा। मैंने कहा चलो फिर पिज़्ज़ा खाना है, तो फिर किसी और जगह पर चलते हैं। इसकी लुक भी अच्छी लग रही है, काफ़ी। काका पी हो गया ना, मैं कॉलिंग कर दी थी तो आप बहुत ज़बरदस्त बना, सॉफ्ट भी है और अच्छा भी है, लुक यम्मी है। हाँ यार मज़े का ना। तो जी यहाँ पे जी हमने पिज़्ज़ा इंजॉय किया, बहुत ही ज़बरदस्त का पिज़्ज़ा था, हार्ड विंग्स भी आ गए हैं ना सुबह ना, अब ये भी खाने हैं। नहीं अब खाने हैं, अब तूने कहा था, आपने कहा था कि मैंने खाना है, मैंने बोला था मैंने पिज़्ज़ा खाना है। ये भी टेस्ट करो ना इनके भी, बहुत मज़ा आ रहा है, बच्चे लोग इंजॉय कर रहे हैं, तो मम्मा पापा भी साथ साथ इंजॉय कर रहे हैं, इनके साथ हमारे भी इंजॉय। तो जी यहाँ पे हम जा रहे हैं वापस, यहाँ पे हम तीन हो गया, एक भेज दिया। और यहाँ की कार आई हुई थी मम्मा आपकी, उधर मैंने कहा इधर भी आ गया, उधर ही हम आए इधर, क्योंकि ये चक्कर करके मेरा मेरा हासा रुक दिया मेरे जान थोड़े शोल्डर से जी, फिर तुम ओदा देखना शुरू कर दिता, तो यहाँ तो समान अंदर भाग गए, इधर लाल बैग से डर गई लाल मेरी हसी रुकी नहीं रही, ये ना कामरा के शोल्डर पे बैठा हुआ था लाल बैग, तो कामरा साहब नीचे मार समान अंदर भाग गया रूम में, हमने तो बड़ा मजा किया, फिर ना रेहान के साथ हम ना क्या कहते हैं हार्ड विंग्स रेहान के लिए ले आए, फिर पिज़्ज़ा तो हमने भी फिनिश कर दिया, इतना मजे का था, फिर हम हो गए थे फुल, फिर आपके लिए हार्ड विंग्स ले आए। जी आयत आ गई है बड़ी मम्मा से मिलने के लिए, आए आयत, तो ये देखो आयत ने मुझे क्या दे दिया, मुझे ये देख ले आयत कितनी कमजोर लग रही है, देख सकते हैं
और यहाँ पे जी माशाल्लाह लगी है रौनक, और यहाँ पे आ गई जी ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ मीठे स्लाइस, मूसा ने खाने थे मीठी ब्रेड, इसके अंदर मैंने डाला है चीनी, अंडा, दूध, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं साथ में। यहाँ पे बना रही हूँ चाय, अब सबने भी नहीं दी चाय वगैरह, तो मैंने कहा चलो सबके लिए चाय बना लेते हैं। यहाँ पे बना लेते हैं सैंडविच, तो ब्रेड भी हमने लेके आया, साथ में केक रस लेके आया, यहाँ पे हम बनाएंगे चाय वगैरह, तो चाय पियेंगे सब मिल के। ये मैंने कर ली है मिक्स, ऑयल हो गया है गर्म, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको हम करते हैं डीप, तो इसको बहुत 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 ताज़ा ब्रेड है। यहाँ पे जी हमारे स्लाइसेस के अंदर डाल दिए, इसको हम करते हैं ओल्ड बोल्ड, आल्ट बाल्टी, ये टोट। यहाँ पे जी वैसे भी मज़ा आता है इसको खाने का, लेकिन ये खाने थे मूसा ने, तो कह रहा था बड़ी मम्मा मुझे ये वाले खाने हैं, तो मम्मा उसके लिए बना रही है। वाह जी वाह, बड़ी मज़े की लुक लग रही है यहाँ पे जी, ये डन हो गया है। चले जी माशाल्लाह से चाय करते हैं जी, माल की लुक लगी और यहाँ पे ये रेडी हो गए हैं, चूल्हा करते हैं बंद, ज़बरदस्त बन गया है यहाँ पे सैंडविच मीठे स्लाइस। चाय भी डन है, यहाँ पे हमने चाय बनाई है, साथ में केक इधर समान केक रहा से तो लग रहा के बैठे अच्छा मिला नहीं है। यहाँ पे ना हम बात कर रहे थे सुभान की और आयत की, सुभान भी कमजोर हो गया और आयत भी यहाँ पे ये कमजोर हो गए बच्चे है ना, हाँ बहुत कमजोर है, खाती कुछ नहीं है तो बहुत बहुत कमजोर बच्चे है बहुत। वाह माशाल्लाह फ्रेंड, ये देखिए मूसा ने ड्रेस पहना, मूसा और फजर दिखाओ अपना भी, फजर फजर यहाँ पे जी मेरे पास बैठी हुई है आयत, यहाँ पे इकरा, उस्मान, सारे बच्चे बैठे हुए हैं, रौनक लगी हुई है, इधर आओ मेरे पास इधर, और मैं आयत यहाँ बैठ गई, हम बातें शातें करे हैं सारी फैमिली, जो हमने बड़ा इन्जॉय किया, बहुत मज़ा किया, और जो मेरी फैमिली मुझे देख रही है, सभी फैमिली को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएँ, सभी फ्रेंड्स को दी की गहराइयों से ईद मुबारक, हमारी सारी फैमिली की तरफ से, हमारी सारी फैमिली को, तो मेरी तरफ से भी आप सबको ईद मुबारक। यहाँ बैठो ऊपर, यहाँ पे, यहाँ पे जी हम करने वाले हैं अपने व्लॉग का एंड, तो अगर आज की एक्टिविटी आपको अच्छी लगती है तो आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल के बटन प्रेस करके, ताकि हमारी वीडियो आपके पास आती रहे। तो इसी के साथ हम चाहेंगे इजाज़त, इंशाल्लाह सुबह नए और प्यारे लोग के साथ आपको मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़, बाय मुसा, बाय ईद मुबारक, ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, बाय।